अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8। एक्सरसाइज 8.1 हम कम्प्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स की बुक में पेज नंबर 164 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 164 पर अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो एक्सरसाइज 8.2 है। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। आपको नंबर्स दिए गए हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन आप सीखते आ रहे हैं ना थर्ड फोर्थ क्लास से। आपको फ्रैक्शन में नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनकी परसेंट निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। यानी वन, जैसे फर्स्ट ए पार्ट है 1/8, तो आपको, आप जब परसेंट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1/8 कितना परसेंट होता है। तो कॉपी में ऊपर एक्सरसाइज 8.2 मेंशन कीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, कन्वर्ट करना है 1/8 को परसेंट में। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो जाएगा 100/8। इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4 एंड यह हो गया 25 बाय 2 आया। अब इसको फिर से जब आप काटेंगे तो 2 1 2, 2 2 4 और पॉइंट लगा कर आ गया 2 5 10। आंसर कितना आया, 12.5%। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब है नेक्स्ट सेकंड, 5/4 की परसेंटेज निकालनी है आपको। क्या करेंगे, सेम 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब ये कितना होगा, ये 2 2 4 एंड 50, 2 1 2 और 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 5 होते हैं 125। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो आंसर आएगा 125%। अब है नेक्स्ट थर्ड, थर्ड में परसेंटेज निकालनी है 3/40 की। 3/40 आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 10 से 10 कट हो जाएगा, 2 2 4 एंड 2 5 10, 5 3 कितने हो गए 15, अपौन में 2 हो गया, तो 2 7 14 एंड 2 5 10, तो आंसर क्या आएगा 7.5%। ईजी है ना परसेंटेज निकालना। अब नेक्स्ट है डी पार्ट, यानी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में परसेंटेज निकालनी है 2/7 की। तो 2/7 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 100, अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 200 और ये है 7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 2 14, क्योंकि 7 3 21 तो ज़्यादा हो जाएगा। अब कितने बचे, 6, तो 7 8 होते हैं 56, 4 बचेगा पॉइंट लगाकर एंड 7 5 35। देखिए ये पूरा ना डिवाइड नहीं हो पा रहा है, और जो चीज़ पूरी डिवाइड नहीं होती है तो उसको क्या करते हैं, उसको मिक्स में करके लिखते हैं। तो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आंसर आएगा 7/4%। अब 28 7 कितने होते हैं 196, उसमें प्लस 4 करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो ये इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 200/7 को मिक्स फ्रैक्शन में करके इसकी परसेंट लिख दी। अगर डिवाइड ना हो तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे ही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। अब आपको डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है, आपको इसको परसेंट में करना है। पहले फ्रैक्शन में दिया गया था वो आप परसेंट में कर रहे थे, अब डेसिमल दिया गया है बीच में, अब आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर टू में आपको डेसिमल्स में दिए गए हैं नंबर्स और उनको कन्वर्ट करना है आपको परसेंट में। फर्स्ट दिया गया है 0.65। अब आप सभी बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कि जब पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं लिखे हुए उनको अपॉन में नीचे लिख देते हैं, है ना। अब ये 0.65 है, जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। और जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो अब क्या होगा, दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कट जाएंगे, इजी है ना, बचेगा 65। आंसर क्या आया, 65%। इसी तरीके से करेंगे सेकंड है 2.1। अब क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। जब डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसका मतलब नीचे कितना आ गया 10। मल्टीप्लाई कितना हुआ 100, 10 से 10 कटा, तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 210% आ गया आंसर, इजी है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में दिया गया है 0.02। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.02 का जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 20। पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो इसका मतलब 100 आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। 20 से 20 को कट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 2%। इसी तरीके से है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, 12.35 नंबर दिया गया है। क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 20 लग जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है। जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 20 से 20 कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1235%। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। अब ये नीचे आपको फिगर दी गई है और आपको सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में लिखना है। देखिए ये पूरा सर्कल है और ये सर्कल का फोर्थ पार्ट जो है वो शेडेड दिया गया है, तो यानी इस सर्कल में ऐसे कितने पार्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे, आप डॉट डॉट से जब आप इसको मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पूरे सर्कल में से इतने कितने पार्ट निकल सकते हैं, 4 पार्ट निकल सकते हैं, है ना। तो 1/4 की परसेंट निकालेंगे फर्स्ट में। सेकंड है, ये पूरा सर्कल दिया गया है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं और 5 में से 3 कलर्ड हैं, तो 3/5 की परसेंट निकालेंगे। उसके बाद है फोर्थ वाला सर्कल, इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट्स दिए गए हैं सर्कल के और 8 में से 1 2 3 3 कलर है, तो इसका मतलब ये 3/8 हो जाएगा, तो 3/8 की परसेंट निकालेंगे। आती है ना निकालनी, अभी सीखी थी, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और निकल जाएगी परसेंटेज। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल दिया गया है और इस सर्कल का 1 पार्ट जो है वो शेडेड है और टोटल कितने पार्ट है, 4, तो क्या लिखेंगे इसको, 1/4। आपको इसका क्या निकालना है, इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा, 100/4 डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 50, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 आंसर क्या आएगा, 25%। कितना परसेंट था ये, जो कलर्ड पोर्शन है 25% पूरे सर्कल का। अब है नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में सर्कल दिया गया है आपको और इस सर्कल के कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 और 5 पार्ट दिए गए हैं और 5 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट शेडेड है, 2nd पार्ट शेडेड है और 3rd पार्ट शेडेड है, तो ये कितना फ्रैक्शन हुआ, ये 3/5, फ्रैक्शन तो आता है ना सबको, 3 कलर्ड हैं और टोटल 5 है, तो क्या लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे। अब क्या करना है, अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो गया 300 अपॉन में 5
5, 6 are 30 एंड 0 आंसर आया 60%, यानी इसका 60% पार्ट जो है वो क्या है, शेडिड है। अब है नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको सर्कल दिया गया है और इस सर्कल के कितने पार्ट्स दिए गए हैं, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट पार्ट्स है, टोटल एट पार्ट्स है और एट में से 3 शेडिड हैं, 1 शेडिड, 2 शेडिड एंड 3 इसमें से शेडिड है और टोटल है 8 पार्ट। तो टोटल वालों को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और शेडिड वालों को ऊपर लिखेंगे। आप उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे इसकी 3/8 की, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या हुआ 300 अपॉन में 8, 2 4s are 8 एंड 2 1s are 5, 2 5s are 10 और 50, 4 3s are 12, 4 7s are 28 एंड 4 5s are 20 आंसर आएगा 37.5%। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड, आपको पता लगाना है, ए दिया गया है 15% ऑफ 250, 250 यानी 250 का 15% निकालना है आपको। पहले आपको फ्रैक्शंस दी गई थी, नंबर्स दिए गए थे और आप क्या कर रहे थे, उनको कन्वर्ट कर रहे थे, किसमें आप कन्वर्ट कर रहे थे उसको, परसेंट में। अब आपको परसेंट दिया गया है, जब आप परसेंट में कन्वर्ट कर रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से, अब आपको दी गई है परसेंट, अब आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं कॉपी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया गया है ए पार्ट में 15% आपको निकालना है, किसका, 250 का। जब आपको परसेंटेज निकालनी होती थी तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आपको परसेंट दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 15% मतलब 15 / 100 करेंगे। पहले परसेंट निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब परसेंट दी गई है तो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, जिसका निकालना है, यानी 215 का 15% निकालना है ना, तो 250 को, ये जो 250 है इसका तो 15% निकालना था, तो ये जो 250 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का साइन हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5s are 10 सॉरी 5 2s are 10 और 5 5s are 25। अब 15 5s are कितने होते हैं, 75/2 और जब आप इसका परसेंट निकालेंगे तो 2 3s are 6, 2 7s are 14 एंड 2 5s are 10 आंसर आएगा 37.5%। परसेंट नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर परसेंट नहीं आएगा, वो पीछे से परसेंट निकालते आ रहे थे ना तो एकदम परसेंट लिख दिया, तो आंसर आएगा 37.5। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब है नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में दिया गया है 1% ऑफ 1 आर। अब पहले लिखेंगे 1%, का साइन हटेगा तो डिवाइड में क्या आएगा, 100, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 1 आर। अब 1 आर कितना होता है, 1 आर होते हैं 60 मिनट, तो क्या करेंगे, 1/100 मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए। अब आप इसे काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा और 2 5s are 10 एंड 2 3s are 6 आंसर क्या आएगा, 3/5। अब है नेक्स्ट सी, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करना है, 3/5 आया आंसर। अब है नेक्स्ट 20% निकालना है, 2500 का 20% ऑफ रुपीज़ 2500, तो 20 पहले 20 लिखेंगे, परसेंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई 2500 का निकाल रहे हैं तो 2500 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 25 2 का कितना होता है 50 और 1 0 का 0 आ जाएगा, ये क्या है आंसर। तो 2500 रुपये के यानी 2500 रुपये का 20% कितना आया, 500 रुपये, तो आंसर क्या आया, ₹500। अब है नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में क्या करना है, 75%
ऑफ 1 kg, 1 किलो का 75% आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, 75 पहले एज इट इज़ लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, और 1 kg का निकालना है तो 1 लिख देंगे। आंसर क्या आएगा, 75/100 ही आएगा। और अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो जब डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 2 ज़ीरो लगा देते हैं, और जब नीचे 0 होते हैं तो 2.2 है ना, तो 1, 2 काउंट करेंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आएगा 0.75, यानी 0.75 kg। 1 किलो का 75% कितना हुआ, 0.75 kg। इसी के साथ क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.2 के आपके कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।